अभी 4 डेज पहले ही बॉलीवुड के किंग खान ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट डंकी सभी के साथ शेयर किया, तो वहीं अब देखा जाए तो बड़े मियां छोटे मियां की रीमेक फिल्म लेकर आने वाले अली अब्बास जफर का बिग क्लैश होगा SRK के साथ। जहां पेंडेमिक के बाद पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री ये कोशिश कर रही है कि फिल्म आपस में क्लैश ना करे, जिससे सभी फिल्म को अच्छा अर्न करने का मौका मिले, तो वहीं राजकुमार हिरानी जी का अली अब्बास जफर की फिल्म से क्लैश करना क्या रिजल्ट लेकर आएगा। आपको बता दे, राजकुमार हिरानी जी की फिल्म डंकी इमोशंस, रोमांस और एक्शन से भरी होगी, जिसमें लीड एक्टर्स होंगे शाहरुख खान एंड तापसी पन्नू। और वहीं अगर अली अब्बास जफर की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की बात की जाए, तो उसमें एक्टर्स अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं, जो कि 1998 की क्लासिक कॉमेडी की रीमेक होने वाली है। जहां एक तरफ राजू हिरानी और शाहरुख की फर्स्ट टाइम कोलैब करने वाली टीम है, तो वहीं अली, अक्षय और टाइगर का कॉम्बो भी कम नहीं है। वैसे आपको बता दे, डंकी की रिलीज डेट जहां फाइनलाइज है, विच इज 22nd of December 2023, तो वहीं बड़े मियां छोटे मियां की रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। बट जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, तब ये जरूर बताया गया था कि फिल्म क्रिसमस 2023 के आसपास ही रिलीज की जाएगी, यानी सीधा सीधा डंकी और बड़े मियां छोटे मियां का होगा क्लैश। अगर राजू जी ने बॉलीवुड को PK, 3 Idiots, संजू जैसी मूवीज दी हैं, तो वहीं अली ने भी हमें खूब एंटरटेन किया है गुंडे, टाइगर जिंदा है, भारत जैसी फिल्म से। अगर एक तरफ डंकी में SRK का स्टारडम ही काफी है फैंस के लिए, तो वहीं अक्षय और टाइगर की फिल्म 5 languages यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज की जाएगी। जिस तरह KGF चैप्टर 2 और जर्सी का क्लैश नहीं हुआ, जयेश भाई जोरदार और अनेक का क्लैश नहीं हो रहा है, देन वी नेवर नो कि डंकी और बड़े मियां छोटे मियां का भी क्लैश ना हो। एज अभी तक सिर्फ डंकी की ही ऑफिशियल रिलीजिंग डेट अनाउंस की गई है, और बड़े मियां छोटे मियां की नहीं। फॉर मोर सच बॉलीवुड न्यूज, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।